तो अभी 14.1 साइज क्लास 8th। ठीक है, एक ही देखो जिदा आप एक्स नू एक्स नाल गुणा करते हैं, एक्स नू एक्स नाल गुणा करता एक्स की पावर एक जमा एक एक्स की पावर दो आ गई। एक्स का मतलब की हैगा उसकी गिनती एक उसकी ताकत एक, पर लिखी नहीं जाती आ चीज़ लिखी नहीं जाती। मान लो आप को आ गया 4x-3x, चलो 3 घंटे एक एक्स नहीं लिखा, उन्होंने एक्स ही लिखा ये चीज़। अगर चौं चौं 4x मान लो सपोज करो आप 4x आ गया -3x, चौं 3 घंटे एक एक्स नहीं लिखना, इन एक्स ही लिखा, यहाँ मतलब की हैगा वो गिनती एक हैगी है। पहली गल सू क्लीयर होनी चाहिए है। ठीक है जी, हूँ आप एक्स में एक्स गुणा करते हैं, एक्स ही ताकत एक जमा एक एक्स ही दो आ गया। इदा ही एक्स ही दो एक्स ही 3 गुणा किया, एक्स ही ताकत कितनी आ गई 5 आ गई। पहला तो एक पॉइंट समझ लो। फिर आ गया 12 में सपोज करो आप गुणनखंड बनाने है, 12 के गुणनखंड बनाने दो से भाग करांगे, क्योंकि जो गुणनखंड बनाने है अरे अभाज संख्या जिन्हें प्राइम नंबर कहते हैं अभाज संख्या ये है, पहला 2 फिर 3 फिर 5 7 11 13 17 इस तरह बहुत चंगी, मतलब आम करके आप 2 3 5 7 11 13 तक इस तक की जरूरत पैंती ज़्यादा नहीं पैंती है। ये तो नैजम की होंगे है, मान लो आप 12 के गुणनखंड बनाने हैं, पहले तो अपन 2 से भाग करना, पहले देखा 2 के भाग हुए हो गया, फिर देखा 2 के भाग होंगे 2 तो भी हो गया, फिर आ गया आप 3 आ गया, फिर 2 तो नहीं हो गया 3 के भाग हो गया। 12 के गुणनखंड की आ गया 2 × 2 × 3। ठीक है जी, हुण आपको 18 आ गया, 18 के गुणनखंड लैने, ये सारे बनाने होने चाहिए। 18 के गुणनखंड की हैगा आप अपना 2 भाग करता, ठीक है जी, 2 भाग करता 9 आ गया, फिर 2 से देखो नहीं जाता, फिर 3 से अगे चल दो, 3 × 9 आ गया, फिर 3 से भाग किया 1 आ गया, 18 की आ गया आपको देखो 2 × 3 × 3 ये गुणनखंड आ गया। पहला सानू ये बनाने होने चाहिए है, कोई भी रकम आ गई तो गुणनखंड कैसे बनाने है, सपोज करो आपको 27 आ गया, 27 के गुणनखंड बनाने की करा आप, पहला देखो 2 से भाग हों नहीं, 2 से नहीं भाग हों, फिर 3 से भाग हों, 3 आ जाओ, 3 आया 27, फिर 3 से भाग हो गया 3 आ गया, फिर 3 से भाग हो गया ये 1 आ गया। यदा मतलब 27 के गुणनखंड क्या गया 3 × 3 × 3 यह आंसर आ गया। ये थोड़ा पॉइंट आने बहुत जरूरी है जी, अगर नहीं नहीं आए तो थोड़ा चैप्टर समझ नहीं आना है। ठीक है जी, उस तो बाद आप अगे चल गए, देखो नैक्सट पॉइंट की है, जो आप एक्स की गल की है, मान लो आप एक्स की 3 गुणा आप एक्स की 4 गुणा करते हैं, एक्स की ताकत कितनी आनी है 3 × 4, आप ताकत जुड़ जानी, एक्स की ताकत कितनी आनी 7 आनी, पहले समझ लो चीज। ठीक है, बेसिक पॉइंट होंगे जनरल फार्मूला एक्स की एल गुणा एक्स की एम बराबर होंगे एल जमा एम, क्योंकि इस चैप्टर से आप जरूरत पड़ी ना पॉइंटा की। ठीक है जी, हम इन्ना क्लीयर हो गया होगा, ये देख लो हम जो मेन पॉइंट है, सपोज करो आप को आ गया एक्सी 7 वाला। ठीक है जी, ये आप एक्सी 3 रखना चाहते हैं, एक्सी 7 वाला आपू एक्सी 3 चाहिए, तो दूजा फिर कितना मैंबर आऊगा बोलो, आप पर समझो पहला आपको एक रकम एक्सी 3 7 हैगी है, ये आपको एक एक्सी 3 चाहिए है, फिर दूजा किन्ना होगा इतने एक्स की 4 आऊगा, क्योंकि 3 में किन्ने जोड़िए 7 बनता 4 बनता, एक्सी 4 ना गुणा करा पर समझो। ठीक है, हम मान लो आपको एक्सी 7 के एक्सी 2 चाहिए, सपोज करो एक्सी 2 चाहिए है, आप समझ लो जो मेन चैप्टर का बेस हैगा इतने आकर साडा पहुंचना आना है, हम एक्सी 7 रब है एक्सी 2। ठीक है, हुण आपां नूं चाहिए है एक्सी 2 चाहिए, चो बाकी कितना बचा देखो, जो एक्सी 3 चाहिए तो गुणा होगी दूजा किन्ना होगा 3 में 4 जोड़े मतलब एक्सी 4 आ गया, हुण आपां नूं एक्सी 2 चाहिए है। ठीक है जी, तो ये होर किन्ना होगा बोलो, 2 दे विच किन्ने जोड़िए 5 बनता, 2 दे विच किन्ने जोड़िए 7 बनता 5, 2 विच 5 जोड़ांगे इहदा मतलब दूजा मैंबर एक्सी 5 आएगा, यह गल समझ लो पहला। ठीक है जी, हुण सपोज करो आपां कोल एक्सी 7 आ गया, आपां नूं एक्स चाहिए बच्चों एक अलग अलग एक्स चाहिए। ठीक है, दूजा किन्ना होगा इतने एक्सी, तो एक्स का मतलब की हैगा वो गिनती भी एक, वो ताकत भी एक, गिनती भी एक ताकत भी एक, इतने एक्स की गिनती एक हैगी है, एक बच्चे किन्ने जुड़ा गए 7 बनता 6 ना, तो एक्सी 6 आ गया, यह चीज़ समझ लगे। हुण मान लो आपको एक्सी 7 आ गया, आपको एक्सी 4 चाहिए, तो दूजा का मैंबर इतने की आऊगा, देखो ध्यान, आपको एक्सी 4 आप चाहिए एक्सी 7 के बच्चों,
ये आ गया एक्स सी चार चाहिए आपको, तो दूजा नंबर किन्ना होगा, चार बच्चे किन्ने जोड़ी है, तीन जोड़ा कि चार बच्चे तीन जोड़े सात एक्स सी तीन, तो थोड़ा दस्या ही जो तो गुणा करते है चार तीन सत्त आ जाना, पाँच दो सत्त आ गया, छे तो एक सत्त आ गया, तीन तो चार सत्त आ गया। आप पॉइंट समझो पहला, अगर ये आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं, मेरा ख्याल क्लीयर हो गया होगा पॉइंट। हम दोबारा फिर देखो, ये मान लो आपको आ गया बाई दी पांच आ गया, आपको चाहिए इस वाई की दो चुपना ये मान लो बाई दो चाहिए है, दूजा कहना मैं बनाऊंगा गुणा वाई दी, बाई दी पांच के आपको वाई दो चाहिए है, यदा मतलब बाई के पांच आप इन दो हिस्सों तोड़ा इतने। हम आप मेन पॉइंट पहले थोड़ा वैसे दसिया असल पॉइंट पर हम आईए भी बाई के पांच में वाई की दो चाहिए ये चुकना वाई दो, बाकी कहना बचेगा दो किन्ने जोड़िए तीन हों ना बाई की तीन बाकी बच जाएगा, मतलब आप अगर चीज़ चाहिए ये बाई की पांच वाई दो चाहिए है बाकी बिना बच जाएगा बाई की तीन। क्लीयर हो गया पॉइंट इस चीज़ का। होर देख लो आप बाई की पांच है आपको चाहिए ये वाई की तीन चाहिए, वाई की तीन चाहिए तो दूजा बाकी कि बचेगा इतने जो वाई तीन चुका बाकी कि बचेगा तीन बच दो जोड़े पांच बनता ना ये तो बाकी आ गया वाई की दो। मेरा ख्याल थोड़ा सारे क्लीयर हो गया होगा, इस कोई हम याद दसने वाली गल नहीं। हूँ आप सीधा अपने क्वेश्चन चलते हैं। लो जी पहला क्वेश्चन आ गया बारह एक्स दिते हुए पता भी साझा गुणखंड, साझा गुणखंड पता करना ठीक है, साझा गुणा के जोड़ा है गुणखंड जो साझा जो है गुणा के गुणखंड कि पहले देखो बारह एक्स आ गया आंसर की आऊगा बारह एक्स से बारह के पहले गुणखंड बनाओ, दो दे भाग किया छे आ गया, दो दे भाग किया तीन आ गया, तीन से भाग किया एक आ गया, बारह बराबर की आ गया दो गुणा तीन। मैं एक दो क्वेश्चन करवाई बार बार नहीं करवाई तुम दसदा, यह आ गया बारह फिर गुणखंड आ गया दो गुणा तीन ठीक है, लास्ट एक्स रह गया इन्हें तो लिखता बारह एक्स में लिखता दो गुणा तीन नाल गुणा इतने एक्स पा इतने भी गुणा पा के एक्स पा दो, फिर आ गया उस तो बाद आप बारह एक्स फिर आ गया आपको छत्ती, छत्ती के गुणखंड बना लो पर दो भाग की अठारह आ गया, दो भाग की नौ आ गया, दो नहीं भाग हों फिर तीन से भाग का तीन आ गया, तीन से भाग की एक आ गया, की आ गया आपको देखो छत्ती रबर की आ गया दो गुणा तीन गुणा तीन, छत्ती रबर की आ गया दो गुणा तीन गुणा तीन। देखो इन दोनों साझा की आ गया दो आ गया तो तीन आ गया ठीक है, यदा मतलब इन्हें साझे गुण साझा गुणखंड कि आ गया ठीक है, साझा गुणखंड की आ गया दो गुणा तीन, दो दिन चार तीए बारह यदा आंसर आ गया। दोबारा फिर देख लो एक क्वेश्चन समझ लो, पहले आ गया बारह एक्स ठीक है, बारह के गुणखंड आ गया दो दुनी चार तीए बारह, आप लिखता बारह एक्स हूँ लिख लिया ध्यान दौ दो गुणा तीन गुणा एक्स ओके जी ओके इत कोई दिक्कत नहीं हैगी। उस तो बाद आ गया छत्ती आ गया छत्ती के गुणखंड बनाए दो गुणा इन्ने आ गया, हूँ देखो दोनों साझा कि आ गया एक तो दो आ गया फिर तीन आ गया, ये अलग अलग आ गया यदा रौला कोई नहीं साझा इन्ना ही है, हम साझा गुणखंड की आ गया ये दो आ गया दोनों दो आ गया तो तीन आ गया दो तीन आ गया दो चार तीए बारह यदा आंसर आ गया। लो जी अगला क्वेश्चन देखो आपको आ गया दो वाई ठीक है जी, दो वाई रब की आ गया दो गुणा वाई, देख लो दो वाई रब की आ गया दो गुणा वाई, वाई का सीधा आ गया दो गुणा ग्यारह बुला नहीं दो वाई एक्स वाई का किया गया, पर दो वाई का लिखा दो गुणा वाई, वाई एक्स वाई का किया गया दो गुणा ग्यारह गुणा एक्स, सब कल कल करते वाई, एक तो दो साझा आ रहा दूजा कि वाई साझे आ रहे होर नहीं आ रहा कोई एक दो आ रहा एक वाई दोनों पास जो साझा आ रहा, यदा मतलब दो ते वाई दोनों पास जो दोनों साझा है, ये आ गया दो गुणा वाई रब कि गया दो आंसर आ दो वाई आ गया आंसर, मेरे ख्याल से बहुत दसन की गल नहीं है क्लीयर हैगा। लो जी अगे देखो अगे आ गया चौदह पी क्यू तो अठाई पी दो दिते हुए पता वे साझा गुणखंड पता कर, चौदह पी क्यू अठाई पी दी दो क्यू दी दो ठीक है, चौदह पी दो सत्त चौदह आ गया दो गुणा सत्त गुणा पी गुणा क्यू आ गया, चौदह पी क्यू हो गया दो गुणा सत्त आ गया गुणा पीस कले कले करते, फिर आ गया अठाई पी दी दो क्यू दो अठाई से आ गया अठाई लैके दो भाग करना चौदह जाने दो भाग करना सत्त सत्त भाग इन्ना आ गया ठीक है, अठाई के गुणखंड दो गुणा सत्त, हम बार बार नहीं करवा मैं ये तुम्हें आप गुणखंड बनाने हैं, दो दूनी चार सत्त अठाई आ गया पी दी दो
P2 हुण इह की आ गया दो सांझा आ गया सत्त आ गया पी आ गया तो क्यू आ गया। मैं तुहानूं वैसे ही एरो लिखाया तुसीं इदां लिख सकते सांझा गुणनखंड है कि दो सत्त पी दे क्यू इह आ गया सत्त दूणी चौदह तो पी क्यू दा आंसर आ गया। क्लीयर हो गया तुहानूं। हुण आ देखो एक क्वेश्चन आ गया दो एक्स हैगा तीन एक्स दो चार रकम आ गया दो एक्स आ गया दो गुणा एक्स तीन एक्स दो आ गया तीन गुणा एक्स दो एक्स गुणा एक्स ठीक है चार तो आ गया दो गुणा दो हूँ साझा किराना जो सर पहला आप दो ले लो दो देखो इतने हैगा इतने है नहीं इतने हैगा वो साझा नहीं आएगा सारे आना चाहिए फिर दो का कम निबड़ गया फिर एक्स देखो एक्स इतने हैगा इतने है नहीं भी नहीं है नहीं फिर कम भी खत्म हो गया रहा कोई नहीं गया ठीक है फिर तीन भी देख लो इधर एच ही हैगा एक्स का आप कोई भी कम निबड़ गया फिर दो इतने हैगा इतने है नहीं यहाँ मतलब इन्हें साझा कोई नहीं है पर इन्हें मैं समझो एक्स की सब साझी हैगी है वो की हैगी देखो ध्यान ना मान लो आप दो एक्स हैगा दो एक्स न आप एक ना गुणा करते हैं तो दो एक्स ही रह जाएगा आप तीन एक्स ही दो एक ना गुणा करा तीन एक्स ही दो रह जाएगा चार न एक ना गुणा करा तो यह चार ही रह जाएगा यदा मतलब इन सारे में साझा एक जरूर हैगा ठीक है जी इस करके साझा गुणनखंड कि आ गया एक आ गया आंसर एक आ गया क्लियर हो गया पांच सारे भी जे कोई साझा नहीं है एक सारे में पिया है क्योंकि जिदा आप दो एक्स हैगा अगर दो एक्स में आप दो एक्स गुणा एक लैंती फर्क नहीं पैंता है तीन एक्स दो एक ना गुणा कर दिए तो कोई फर्क नहीं पैंता रहना तीन एक्स ही दो ही आ फिर चार न चार गुणा एक लैंती है तो साझा कोई फर्क नहीं पैंता यदा मतलब सारे इतने एक है मतलब सारा साझा की आ गया एक आ गया पॉइंट समझना चाहिए है ये थोड़ा कोई क्वेश्चन जो एक नंबर का भी आ सकता सपोज करो आप कहता होगा पांच एक्स वा इधर छे बाई साझा तो कोई नहीं है तो साझा गुणनखंड की आएगा एक आएगा सारे का आ चीज़ समझ लो ये थोड़ा ऑब्जेक्टाइज का क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टाइज के इस तरह का आ सकता है ठीक है जी मान लो तीन रकम आ गई आप कोई पांच एक्स है ये छे बाई है ये सत्त जेड है कोई साझा नहीं आ रहा आ दो तीन छे आ गया पांच सत्त कोई साझा नहीं यह सारे का साझा गुणनखंड की आएगा एक आएगा यह चीज़ समझने की लड़ बस हो गया उस सू क्लीयर सबू ठीक है ये पॉइंट में ध्यान देना जिथे कोई साझा ना आए उत्थे गुणखंड एक आना है साझा गुणखंड एक आएगा। लो जी उस तो अगला क्वेश्चन आ गया यह है छे ए बी सी छे के गुणखंड होंगे दो गुणा तीन सौ हज़ार गुणा ए आ गया गुणा बी गुणा सी सारे चौबीस आ गया दो दूनी चार दूनी अठती है चौबीस आ गया फिर अगे आ गया ए कला आ गया ए आ गया बी दो बी दो बारी आ गए फिर बारह ए दो बी बारह के किन्ने आ गए दो गुणा तीन आए उपर पाया ख्याल रखना चाहिए इस तरह एरो पाए सारे ठीक है जी दो गुणा तीन आ गया गुणा ए दो ए गुणा बी आ गया हूँ देखो साझा की आ गया ए सारे में दो आ गया ठीक है जी उस तो बाद दो वाला काम निबड़ गया फिर आ गया तीन की गल तीन देखना क्योंकि होर तो दो आ गया इधर दो इतने आ गया तीन तीन देखना तीन इतने भी आ गया इतने भी आ गया तो इतने भी आ गया क्योंकि जो अगले दो की गल करा दो ही आगे अगे नहीं आता है जो अगे दो की गल करा इस ही आता है इस करके दो सारे च आ गया क्लीयर हो गया पॉइंट ठीक है नहीं तो एक पास लिख के देख लो इदा दो गुणा तीन आ गया फिर देखो दो गुणा तीन आ गया फिर बारह का दो गुणा तीन आ गया फिर दो आ गया सारा साझा ठीक है दो तो बाद देखो दो तीय छे हाँ दो तीय छे फिर उस तो बाद दो नहीं आता तीन आता है तीन देखो इच आता इच आता ठीक है बाकी साझे आते कोई नहीं है अगर दो की गल तो दो है इधर है नहीं एक आ गया ना उदू अगला नहीं है ये सारा आ गया ठीक है क्लियर होगा पॉइंट ता थोड़ा शो किया भी दो आ गया इतने फिर सारे तीन आ गया फिर ए आ गया फिर कि आ गया बी आ गया यदा मैं तीन दूनी छे ए बी ए आंसर आ गया देख लो सारे जने मेरे ख्याल तुम्हें क्लीयर हो गया होगा जो पॉइंट मैं दसा चाहूँ ठीक है ये चीज़ का ध्यान रखना जो साझा सारे जगह चाहता है।
ठीक है। अगर दो चाहे तो सच है, जो दो से दो है ना चाहेगा तीजा है नहीं, क्योंकि आप एक दो का कर लेने ना। उस बाद की हैगा ये दो इधर आ गया, इधर है नहीं, फिर अगे तीन आ गया, दो आ गया, एक कला इधर आ गया, फिर तीन का एक इधर भी है, इधर भी है, इधर सब के होना चाहिए। इदा ये सारे चाहेगा, बी भी सारे चाहेगा, सी नहीं छड़ दता, कोई डबल आ रहे हैं क्या, पर वो एक चाहे दूजे चाहे नहीं, सारे तो होने चाहिए। इसका कि आंसर इन्ना आ गया, ये आ गया, दो आ गया सर, तीन आ गया। थानू एरो वैसे दिता है, तुम अपने लिखना इदा, हाँ आ लिखने की लड़ नहीं, एरो थानू मैं समझा भी आ गया सारे बच्चे, फिर बी आ गया, आ पॉइंट लिखने की लड़ नहीं, ये थानू वैसे समझा है, एरो उत्ते थानू पता लग जाए कितों के पॉइंट।